हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ज्योति और वेलकम है आपका इकोनॉमिक्स बाय प्रोफेसर ज्योति टाक में। फ्रेंड्स, मैंने कल एक टॉपिक करवाया था जिसमें हमने ये पढ़ा था थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें हमने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को पढ़ा था। अब नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आज हम इस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको यूटिलिटी बता चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इसका पार्ट वन देख लीजिए। उसमें मैंने यूटिलिटी, कंज्यूमर, कंज्यूमर बिहेवियर और टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मैंने उसमें अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, आपको अच्छे से समझाया है उसमें। तो प्लीज़ आप ज़रूर वो वीडियो देखें। इसमें हम सिर्फ ये इस रोल लो के बारे में पढ़ेंगे। ये लो क्या कहता है? दिस लो स्टेट्स दैट As the consumer consumes more and more of a commodity, the marginal utility denied on consuming each additional unit keeps on declining. ये लॉ कहता है कि जब एक कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करता है ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे एक बनाना खाया, फिर दूसरा खाया, तीसरा खाया, वो जैसे ज़्यादा ज़्यादा बनाना खाता जाएगा, उसको क्या होगा, उससे यूटिलिटी उसकी कम होती जाती है। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है? डिमिनिशिंग होती जाती है। बिकॉज एक पॉइंट के बाद वो उसको कंज्यूम करना बंद करेगा, क्योंकि अब उसकी सेटिस्फैक्शन है वो पूरी हो चुकी है, जो उसकी वांट्स थी वो कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए वो क्या करेगा, उससे कंज्यूम करना बंद कर देगा। इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या करती है? डिनाइड ऑन कंज्यूमिंग। वो क्या कहती है कि अब बंद करे कंज्यूम करना एडिशनल यूनिट्स को, बिकॉज अब क्या है कि ये डिक्लाइन होना शुरू हो गई है। हम इतना ज़्यादा भी कुछ खा या पी नहीं सकते हैं, उतना हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं कि वो ओवर हो जाए। हम उतना ही करेंगे जितनी हमारी वांट है, और हमें सेटिस्फैक्शन पूरा होने के बाद हम उस चीज़ का कंज्यूमिंग नहीं करेंगे। तो मार्शल की एक डेफिनेशन है यहाँ पर, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन ड्राइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशिंग विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। मार्शल क्या कहता है कि एक वस्तु के स्टॉक में जब हम इंक्रीज करते हैं, वृद्धि करते हैं कोई, तो उस व्यक्ति को जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, यानी कि जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है, वह उस स्टॉक में की हुई जो भी वृद्धि है उससे कम होती है। अब हमने बनाना तो बढ़ाते गए, पर जो क्या होती है, हमारी यूटिलिटी जो है वो क्या होती है, कम होती जाती है। तो उनका एक डेफिनेशन है, हिंदी में आप लिख सकते हैं, एक वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से व्यक्ति को जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है वह भंडार में हुई प्रत्येक वृद्धि होने से कम होती है। ये इसका हिंदी में ट्रांसलेट है। और ये जो लॉ होता है वो दो चीजों, टू फैक्ट्स पे बेस्ड है। दिस लॉ बेस्ड ऑन टू फैक्ट्स। तो ये फैक्ट्स देखेंगे हम। फर्स्ट, वाइल द टोटल वांट्स ऑफ अ मैन आर वर्चुअली अनलिमिटेड, एक ह्यूमन है या हम हैं, कोई भी है, हमारी वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। हमारी वांट्स की कोई लिमिट नहीं है। आज हम एक पूरी करेंगे, कल एक और होगी, परसों एक और हो जाती है। तो ईच सिंगल वांट इज सेटिबल, हम कभी भी सारे वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हमारी हर इच्छा, हमारी हर वांट पूरी नहीं हो सकती, पर हाँ, हम कोई एक वांट को, अपनी एक इच्छा को कंप्लीट कर सकते हैं। अनलिमिटेड है जो कि सारी की सारी है, वो पूरी नहीं हो सकती। हम सिर्फ एक ही वांट को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं। सेकंड फैक्ट क्या है? इज विच दिस लॉ इज बेस्ड ऑन दैट द डिफरेंट गुड्स आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, जो अलग अलग वस्तुएं हैं वो पूरी तरह परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है फॉर ईच अदर इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ वेरियस पर्टिकुलर वांट्स। जब एक व्यक्ति, कोई भी एक पर्सन है, जब एक गुड की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स का यूज करता है तो उसकी क्या होती है, उसकी वांट्स कम होने लग जाती है, उसका सेटिस्फैक्शन क्या होता है, कम होने लग जाता है। बट अगर वो उस गुड को और कहीं पे यूज करे, किसी अदर सोर्स के लिए यूज करता है, तो उसको उतनी ही सेटिस्फैक्शन मिलेगी। जैसे आज हमने एक एप्पल खाया है तो हमें जितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है उतनी हमें सेकंड डे अगर कोई एप्पल कंज्यूम करेंगे तो उतनी ही मिलेगी। बिकॉज अगर हम अभी एक एप्पल खाएं और तुरंत ही उसके बाद ही हमने दूसरा एप्पल खाया है
तो हमें उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जितनी हमने फर्स्ट एप्पल खाया तब मिली थी। बट अगर हम अदर डे अदर किसी टाइम पीरियड में अगर हमने वो कंज्यूम किया है तो हमें उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का आपको रिलेशन बता रही हूँ। इसमें मैंने इसमें है ये टोटल यूटिलिटी है, जब टोटल यूटिलिटी पहले क्या है बढ़ती है, फिर कांस्टेंट होगी और फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि ये एक टेबल मैंने यहाँ बनाई है, उस टेबल में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे बनाना खाते रहते हैं हमारी यूटिलिटी क्या है, पहले इंक्रीज होगी, कांस्टेंट होगी, फिर उसके बाद वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। और मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा ही डिक्रीज होगी, फिर वो जाते जाते क्या होता है कि नेगेटिव हो जाती है। क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने एक बनाना खाया, मुझे इतना यूटिलिटी मिला, सेकेंड खाया इतना मिला, थर्ड खाया इतना मिला, तो टोटल यूटिलिटी तो बढ़ती जाएगी, पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। जैसे मैंने एक बनाना खाया मुझे अच्छा लगा, दूसरा खाया थोड़ा ठीक लगा, थर्ड खाया फिर और ठीक लगा, उसके बाद क्या होगा, ज़्यादा तो हम पेट में नहीं डाल सकते, क्या होगा, हम ज़्यादा खाएंगे तो हमारा पेट खराब हो जाएगा, पेट में दर्द होने लग जाएगा या हमें वॉमिटिंग होने लग जाएगी। तो यहाँ पे आते आते क्या होता है कि हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, खत्म होने लग जाएगी। उसके बाद अगर हमने उस चीज को कंज्यूम किया तो नेगेटिव में चला जाएगा, बिकॉज अब हमारी बॉडी बनाना को कंज्यूम नहीं कर सकती, उसके हमारे साइड इफेक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव इफेक्ट होंगे, और इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जीरो होने के बाद नेगेटिव होती जाती है। तो इस डायग्राम में यही बताया है कि टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ रही है, कांस्टेंट होने के बाद वो डिक्रीज हो रही है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व कैसा होगा, वो हमेशा डिमिनिशिंग होगा, नेगेटिव स्लोप में होगा। मैंने यहाँ पे इसका रिलेशन लिखा है, व्हेन TU इज इंक्रीजिंग MU इज डिक्रीजिंग। MU क्या है, जब ये इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, डिक्रीज हो रही है। व्हेन TU इज मैक्सिमम, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी, और व्हेन TU इज डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव। जब हमारी TU गिरने लग जाएगी, टोटल यूटिलिटी हमारी गिरने लगती है, तब मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चली जाती है, जैसा कि मैंने आपको इस टेबल में समझाया है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है कि जब हम एडिशनल यूनिट्स का ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाएगी, कभी भी बढ़ेगी नहीं। हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी, फिर वो है डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, पर ये नेगेटिव नहीं होती है, पर मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती रहती है, और जीरो होने के बाद एक पॉइंट के बाद वो क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ ना आया हो, कोई और टॉपिक आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसके ऊपर जल्दी ही वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू।